हेलो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपको मंगलुरु सेंट्रल का रेलवे स्टेशन दिखाता हूं। और यहां पे आप पीछे देख सकते हैं, यहां से बस आती है और इसके इधर ये जो पीछे है वहां पे बस रुकती है। और यहां का बस स्टेशन का नाम स्टेट बैंक है, तो आप वो पीछे देख सकते होंगे टाइम वाला जो लगा हुआ है। अगर आप स्टेशन आएंगे तो उधर से, वहाँ से आपको उधर लेफ्ट होके जाना पड़ेगा तो आप बस स्टैंड मिल जाएगा। और ये बस स्टैंड यहाँ से लाइक 700 to 800 मीटर है और इसका नाम स्टेट बैंक है। देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के आने का रास्ता इधर से है और इधर तक जाता है आगे रेलवे स्टेशन। आप पीछे देख सकते हैं ये मंगलुरु सेंट्रल का ये पार्किंग एरिया है और इसी के पीछे सामने से ये गाड़ी आता है। तो आप इधर से आके आप सामने स्टेशन मिलेगा आपको और यहाँ पे पार्किंग है। पार्किंग यहाँ पे अपना गाड़ी 2-3 दिन के लिए भी से ज़्यादा भी पार्किंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लाइक वो पहले पूछ लेगा तो आप 1 हफ्ते तक भी यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। और ये मंगलुरु सेंट्रल जो है डेड एंड स्टेशन है। तो और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। तो फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर आते ही क्लॉक रूम है और टिकट काउंटर है इधर। और ये क्लॉक रूम है और यहाँ पे एक दुकान भी है। मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है। तो अभी मैं 1st प्लेटफॉर्म पे हूँ और ये डेड एंड स्टेशन है। तो यहाँ पे आपको काफी टाइम मिलेगा, अगर ट्रेन आती है तो यहाँ पे काफी देर तक रुकती है। और यहाँ पे देख सकते हैं वेटिंग हॉल है, तो इसमें अगर आपका रिजर्वेशन है तो आप रुक सकते हैं। यहाँ का वेटिंग हॉल जो है वो 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पे है, तो आप आके यहाँ पे वेट कर सकते हैं अगर आपका ट्रेन में आने में थोड़ा टाइम है तो। हेलो फ्रेंड्स, मंगलुरु सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वो एक डेड एंड स्टेशन है, आप पीछे देख सकते हैं। तो और यहाँ पे वो बॉगी लगा हुआ है, लोकोमोटिव इंजन, सो इससे आगे ट्रेन जाता ही नहीं है। तो ये मंगलुरु सेंट्रल का डेड एंड पॉइंट है, आप देख सकते। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे 3 ही प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 1 से 2 प्लेटफॉर्म जाने के लिए लिफ्ट लगा हुआ है। तो अगर आपके पास हैवी लगेज है तो आप लिफ्ट से जा सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सामने, ये आप डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं। वो जो प्लेटफॉर्म पे, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने वाला ब्रिज होता है ओवर ब्रिज, उस पर चढ़ के और यहाँ से डायरेक्ट आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं ये अंदर। और ये डायरेक्ट बाहर का रास्ता से भी जुड़ा हुआ है पीछे तक, तो आप आराम से इससे बाहर जा सकते। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं मंगलुरु सेंट्रल का डेड एंड पे आ गया हूँ और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ से पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये मंगलुरु जंक्शन सेंट्रल जो है वो डेड एंड स्टेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और ये यहाँ पे इंजन है, तो यहाँ से इंजन चेंज होता है आगे जाके और ये सिर्फ एक ही साइड जाती है। वो ये पीछे आप देख सकते हैं वो डेड एंड लगा हुआ है, आगे कुछ नहीं दिखेगा और यहाँ पे पीछे जाती है ट्रेन। तो एक चीज़ मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, मंगलुरु सेंट्रल जो है एक डेड एंड रेलवे स्टेशन है और इसका जो पास में वो बस स्टैंड है वो स्टेट बैंक है। वो आपको यहाँ से 700 से 800 मीटर है, आप गूगल मैप पे देख सकते हैं। तो यहाँ का और यहाँ के स्टेशन से बाहर ही आपको पार्सल ऑफिस मिल जाएगा। तो इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।